और कल जो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे महमूद खान साहब और परवेज अलाई साहब भी कल जो हमारा जलसा है लाहौर में उसमें शरीक होंगे और इंशाल्लाह ताला कल जो इन दोनों सूबों में रेजोल्यूशन है उसकी उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर हर पाकिस्तानी शहरी ही एक तशवीश का शिकार है। हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को चलाया जा रहा है, सिर्फ काबीना बनाना और उनको बैरूनी दौरों पे भेजना हुकूमत नहीं है। इस वक्त जो चमन की बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल का हमें जिसका सामना है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल ब्रेकडाउन का शिकार है। इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में एक भी दोस्त हमारा पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान की मईशत मुसलसल एक स्लो डाउन की तरफ जा रही है, मुसलसल जा रही है। और अब तो हालत यह है कि एक तरफ वजीर खारजा के दौरों के ऊपर 2.25 अरब रुपया खर्च कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास सफारत खानों में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गुज़श्ता 8 माह से इंतहाई अबतर है और मज़ीद नीचे जा रही है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक है इस सियासी सूरत हाल से और जब तक पाकिस्तान की सियासत नहीं थमेगी पाकिस्तान की मईशत नहीं थमेगी और हमें इसको इस्तेहकाम में लाना है और इस्तेहकाम में लाने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। हमने इस हुकूमत ने पिछले 7-8 महीनों में क्या कोशिश नहीं कर ली तहरीक इंसाफ को झुकाने की, ऐसे ऐसे मजाका खेज बातें ऐसी ऐसी मजाका खेज स्कैंडल्स लाए जाते हैं कि हंसी आती है। यानी वो हुकूमत जिसका हर शख्स अरबा रुपया लूट के बाहर ले गया है उसको लगता है कि घड़ी अपनी घड़ी बेचना जो है वो भी एक जुल्म है, उसको ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर में जाना जो है वो भी एक जुर्म है। और जिस तरीके से इन्होंने करप्शन के केसेस बनाने की कोशिश की नाकाम हुए, उसके बाद इन्होंने टेररिज्म के केसेस बनाए उसमें नाकाम हुए और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो डिसोल्यूशन का हमारा फ़ैसला है असम्बलियाँ तहलील करने का, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने वकला से मीटिंग मुकम्मल कर रही है, तहरीके इंसाफ ने जहाँ पे पहले ही हम नैब की अमेंडमेंट्स को नैब की तरामीम को चैलेंज कर चुके हैं, हम जो एक्विटल्स हैं मरियम नवाज़ की और उसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उनको हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ साथ हमने जो तमाम नैब के केसेस जिसमें इनको 1100 अरब रुपये का बेनिफिट दिया गया उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपया जो है वो छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर है नाकाबिले कबूल है। और ये हुकूमत जो बरसर इंतज़ार आई थी ये सिर्फ अपने मुकदमे छुड़ाने के लिए आई थी और अब सिर्फ ये इंतज़ार कर रही है कि अपीलों का वक्त गुजर जाए तो फिर हम आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो तमाशा लगा हुआ है इस वक्त दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल के दरमियान, आप रोज़ उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, ना अहल हुकूमत है और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं, लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है जो, और इंशाल्लाह ताला कल से हम इस हल की तरफ बढ़ेंगे। मुसरत पे लिबास बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त के कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने कोई 10 अरब से जायद के सैर सपाटे किए, तो ये यहाँ पे बंदर बांड के लिए इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। पहले माशाल्लाह जो वुजरा है मेरा ख्याल है कि ये सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं, पहले कम थे कि आज एक और वो जो एक नॉन सीरियस इनका जो तर्जुमान है
जो इनका मुंशी है उसको भी इन्होंने फिर फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। देखें यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, समझ के साथ इनके तमाम जो अटैक है खान साहब के ऊपर उसका जवाब दे रही है। और मैं खान साहब की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, अपनी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो प्रोपेगंडा फैक्ट्री ये बनाते हैं और अपनी तरफ से राई का पहाड़ बना के लेके आते हैं, उसको अवाम जितना अच्छे तरीके से डिफेंड करती है, डिफ्यूज करती है, उसमें मैं कहती हूँ कि आप काबिले तहसीन हैं, खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं। मैं आपकी इतला के लिए बताती चलूँ कि आप लोग हमारे मुलाजमों से हमारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग करने में बिजी रहे, आप लोग हम आपस में क्या बातें करते हैं उस पर आपका ध्यान था, और इखलाकियात की गिरावट के भी मुजाहरे हमने देखे। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है, आपका ये प्रोपेगंडा कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो ले आओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ही हकीकी लीडर है जो इस मुल्क को हकीकी निजात दिलाने के ऊपर गामजन है, हकीकी आज़ादी ने आके रहना है। आप इलेक्शन से छुप नहीं सकते, आप ये जो घड़ी और ये जो टोपी ड्रामा हमने शुरू किया हुआ है, तीन गाड़ियां गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर आपने चोरी की है। चोरी उसको कहते हैं जो गैर आइनी गैर कानूनी हो, और जरदारी ने भी ली, नवाज शरीफ ने भी ली, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपकी करप्शन का सदका भी नहीं बनता। जितने 100 अरब की आप लोगों ने करप्शन की है अवाम को बहरहाल पता है। और दूसरी बात कि क्या खर्चा पॉलिसी होगी, क्या इन्होंने इस मुल्क के ये सिर्फ और सिर्फ जो NRO2 है उसको एंजॉय करने आए थे वो ये कर रहे हैं, सैर सपाटे जारी हैं। आप तो ये बातें कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, इन्होंने तो देखें पाकिस्तान के अंदर गंदम की ऑलरेडी पैदावार कम हुई है। ये जो इस मुल्क का हमारा हक है, इस लोगों को जो हुकूमतें हैं अपने लोगों को फीड करना, ये तो हमारी गंदम भी इस वक्त स्मगलिंग माशाल्लाह जारी है जोरों शोर से। और जो मुल्क के अंदर पोल्ट्री के लिए जो फीड आई उसको इन्होंने वहाँ पे सुना है कि जो क्राइम मिनिस्टर है, जो चेरी ब्लॉसम है, वो उसके भी कंटेनर रिलीज करने के, सोयाबीन के भी पैसे मांग रहे हैं। करप्शन रूज पे है, लेकिन ये इनके जवाल की निशानी है, क्योंकि ये इनका आखिरी मौका है। आखिरी मौके में ये जो जिसके हाथ में आ रहा है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कल इंशाल्लाह चेयरमैन साहब बड़े अहम फैसलों से आगाह करेंगे कौम को। कल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का, हकीकी आज़ादी का अगला सियासी लाया अमल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, उसमें इंशाल्लाह फवाद भाई फिर बाद में बताएंगे आपको कि कल हमारी अगली मूवमेंट जो इलेक्शन डे तक जारी रहेगी उसकी भी शुरुआत है इंशाल्लाह। ऑडियो एक आई है, एक ऑडियो आई है कुछ देर पहले, इसमें मुबीना तौर पे जो है बुशरा बीबी के वाले से बातचीत जो कर रही है वो, तो क्या समझते हैं आप, कौन से इदारे हैं ये जो ऑडियो वगैरह अभी भी रिलीज कर रहे हैं, इस वाले से बताइए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियोज आई हैं, मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में अगर आपकी किसी आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत लगेगी, अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया और वो कॉपी पेस्ट करके, ये साकिब निसार साहब की सबसे पहले ऑडियो आई थी आपको याद होगा कि जिसके ऊपर फिर इन्होंने जंग और जियो में ये खबर छपी, फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फॉरेंसिक कराया, फिर वो जज साहब माफ़ी मांग के चले गए। ये इस वक्त जो तमाम ऑडियोज आ रही हैं ये एक्चुअली इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं और एक हकीकत की दुनिया फेस करें। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिशें हुई, सियासी तौर के ऊपर भी और फिजिकली भी। आप अगर शुरू हो जाएं लियाकत अली खान से, उसके बाद आप जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बाद आप दरमियान में फातिमा जना को जो है वो पॉलिटिकली एलिमिनेट किया गया,
उसके बाद आप देखिए कि बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, फिर उसके बाद उस इमरान खान के ऊपर अभी जो है वो कातिलाना हमला हुआ। पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स के ऊपर ये हमले हुए हैं और पाकिस्तान में उनको इस तरह से उनके ऊपर केसेस भी बनाए गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान 75 साल का पुराना पाकिस्तान है या पाकिस्तान बदल गया। इस वक्त पाकिस्तान की 66% आबादी 28 सालों के नौजवानों पे है और यही नौजवान ही हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि ये मामला चलेगा नहीं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप ही मुकम्मल नहीं है। इमरान खान वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं जो चारों सूबों के लीडर हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की सारी रीजन्स के लीडर हैं और उनके बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप मुकम्मल नहीं है। अच्छा फवाद भाई, ये बता दें कि कल अगर आप ऐलान करते हैं असम्बली तोड़ने का, आज खबर भी गर्दिश कर रही है कि परवेज लाई साहब ने कुछ शरायत दी है कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए, उसके बाद हम असम्बली तोड़ेंगे। अगर उनकी जानब से असम्बली नहीं तोड़ी जाती, वजीर आला नहीं तोड़ते, तो फिर आइंदा क्या लाहे अमल होगा? अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तरफ चले जाती पंजाब में, फिर क्या आपका लाहे अमल होगा? नहीं सॉरी, वफाकी हुकूमत अगर पंजाब में सिर्फ इलेक्शन करवाती है जहाँ दो असम्बलियाँ आप तोड़ते हैं वफाकी हुकूमत, तो फिर क्या लाहे अमल? देखिए इलेक्शन तो पंजाब में ही होना है ना, जहाँ पे बाकी आर्टिकल 112 के तहत जहाँ पे असम्बली टूटेगी वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन होना है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है। 5 साल के लिए नई हुकूमत ने आना है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि परवेज अलाई साहब हमारे साथ हैं। तीसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल आपकी सही है, उनकी जो अगली एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम PMLQ को जो इस वक्त जो उनका इस वक्त जो शेयर है और जो सियासत में उनका हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उनको हिस्सा देंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। जब फवाद भाई आम बात चल रही है कि क्योंकि जो जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आप लोगों के भी और इसमें कुछ नगोशिएशन, क्योंकि आप मेन मीटिंग में बैठ रहे हैं, मुंसलाई साहब आ रहे हैं तो मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में इस दफ़ा वोट कोई नली गाली ये इसके ऊपर नालियों के ऊपर गलियों के ऊपर नहीं चलने। इस दफ़ा पाकिस्तान का जो वोटर है ये वोट इमरान खान को हकीकी आज़ादी के नाम के ऊपर डाल रहा है। नहीं थमेगी पाकिस्तान की मईशत, नहीं थमेगी और हमें इसको इस्तेहकाम में लाना है और इस्तेहकाम में लाने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। हमने इस हुकूमत ने पिछले 7-8 महीनों में क्या कोशिश नहीं कर ली तरीके इंसाफ को झुकाने की। ऐसे ऐसे मजाका खेज बातें, ऐसी ऐसी मजाका खेज स्कैंडल्स लाए जाते हैं कि हंसी आती है। यानी वो हुकूमत जिसका हर शख्स अरबा रुपया लूट के बाहर ले गया है, उसको लगता है कि घड़ी, अपनी घड़ी बेचना जो है वो भी एक जुल्म है। उसको ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर में जाना जो है वो भी एक जुर्म है। और जिस तरीके से इन्होंने करप्शन के केसेस बनाने की कोशिश की, नाकाम हुए। उसके बाद इन्होंने टेररिज्म के केसेस बनाए, उसमें नाकाम हुए। और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो डिसोल्यूशन का हमारा फैसला है असम्बलियाँ तहलील करने का, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने वकला से मीटिंग मुकम्मल कर रही है। तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे पहले ही हम नैब की अमेंडमेंट्स को, नैब की तरामीम को चैलेंज कर चुके हैं, हम जो इक्विटल्स हैं मरियम नवाज की और उसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, उनको हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ साथ हमने जो तमाम नैब के केसेस जिसमें इनको 1100 अरब रुपए का बेनिफिट दिया गया उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपया जो है वो छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर है नाकाबिले कबूल है। और ये हुकूमत जो बरसर इंतजार आई थी ये सिर्फ अपने मुकदमे छुड़ाने के लिए आई थी और अब सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि अपीलों का वक्त गुजर जाए तो फिर हम आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो तमाशा लगा हुआ है इस वक्त दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल के दरमियान, आप रोज़ उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, ना अहल हुकूमत है, और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं, लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है।
लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है जो, और इंशाल्लाह ताला कल से हम इस हल की तरफ बढ़ेंगे। मुसरत पहले बात करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त के कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने कोई 10 अरब से जायद के सैर सपाटे किए, तो ये यहाँ पे बंदर बांध के लिए इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। पहले माशाल्लाह जो गुजरा है, मेरा ख्याल है कि ये सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं। पहले कम थे कि आज एक और वो जो एक नॉन सीरियस इनका जो तर्जुमान है, जो इनका मुंशी है, उसको भी इन्होंने फिर फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। देखें यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, समझ के साथ इनके तमाम जो अटैक है खान साहब के ऊपर उसका जवाब दे रही है। और मैं खान साहब की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, अपनी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो प्रोपेगंडा फैक्ट्री ये बनाते हैं और अपनी तरफ से राई का पहाड़ बना के लेके आते हैं, उसको आवाम जितना अच्छे तरीके से डिफेंड करती है, डिफ्यूज करती है, उसमें मैं कहती हूँ कि आप काबिले तहसीन हैं, खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं। मैं आपकी इतला के लिए बताती चलूँ कि आप लोग हमारे मुलाजमों से हमारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग करने में बिजी रहे, आप लोग हम आपस में क्या बातें करते हैं उस पर आपका ध्यान था, और इखलाकियात की गिरावट के भी मुजाहरे हमने देखे। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है, आपका ये प्रोपेगंडा कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो ले आओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ही हकीकी लीडर है जो इस मुल्क को हकीकी निजात दिलाने के ऊपर गामजन है, हकीकी आज़ादी ने आके रहना है। आप इलेक्शन से छुप नहीं सकते, आप ये जो घड़ी और ये जो टोपी ड्रामा हमने शुरू किया हुआ है, 3 गाड़ियां गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर आपने चोरी की है। चोरी उसको कहते हैं जो गैर आइनी गैर कानूनी हो, और जरदारी ने भी ली, नवाज शरीफ ने भी ली, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपकी करप्शन का सदका भी नहीं बनता। जितने 100 अरब की आप लोगों ने करप्शन की है अवाम को बहरहाल पता है। और दूसरी बात कि क्या खर्चा पॉलिसी होगी, क्या इन्होंने इस मुल्क के ये सिर्फ और सिर्फ जो NRO2 है उसको एंजॉय करने आए थे वो ये कर रहे हैं, सैर सपाटे जारी हैं। आप तो ये बातें कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, इन्होंने तो देखें पाकिस्तान के अंदर गंदम की ऑलरेडी पैदावार कम हुई है। ये जो इस मुल्क का हमारा हक है, इस लोगों को जो हुकूमतें हैं अपने लोगों को फीड करना, ये तो हमारी गंदम भी इस वक्त स्मगलिंग माशाल्लाह जारी है जोरों शोर से, और जो मुल्क के अंदर पोल्ट्री के लिए जो फीड आई उसको इन्होंने वहाँ पे सुना है कि जो क्राइम मिनिस्टर है, जो चेरी ब्लॉसम है, वो उसके भी कंटेनर रिलीज करने के, सोयाबीन के भी पैसे मांग रहे हैं। करप्शन रूज पे है, लेकिन ये इनके जवाल की निशानी है, क्योंकि ये इनका आखिरी मौका है। आखिरी मौके में ये जो जिसके हाथ में आ रहा है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कल इंशाल्लाह चेयरमैन साहब बड़े अहम फैसलों से आगाह करेंगे कौम को। कल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का, हकीकी आज़ादी का अगला सियासी लाया अमल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, उसमें इंशाल्लाह फवाद भाई फिर बाद में बताएंगे आपको कि कल हमारी अगली मूवमेंट जो इलेक्शन डे तक जारी रहेगी उसकी भी शुरुआत है इंशाल्लाह। मुबैना तौर पे जो है बुशरा बीबी के वाले से बात की जो कर रही हैं वो, तो क्या समझते हैं आप, कौन से इदारे हैं ये जो ऑडियो वगैरह भी रिलीज कर रहे हैं, इस वाले से बताइए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियोज आई हैं, मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में अगर आपकी किसी आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, तो वो अजीब ही लगेगा, मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया और वो कॉपी पेस्ट करके, ये साकिब निसार साहब की सबसे पहले ऑडियो आई थी आपको याद होगा कि जिसके ऊपर फिर इन्होंने जंग और जियो में ये खबर छपी, फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फोरेंसिक कराया, फिर वो जज साहब माफ़ी मांग के चले गए। ये इस वक्त जो तमाम ऑडियोज आ रही हैं ये एक्चुअली इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं,
और एक हकीकत की दुनिया भी है। चौधरी साहब ये बताएं कि बहुत वादी नज़र में ये लग रहा है और आप भी सपोर्ट कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर पे दर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग केसेस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उनको इनएलिजिबल करार दिया जा सके, इसके लिए आप लोगों की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिशें हुई सियासी तौर के ऊपर भी और फिजिकली भी। आप अगर शुरू हो जाएं लियाकत अली खान से, उसके बाद आप जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बाद आप दरमियान में फातिमा जिना को जो है वो पॉलिटिकली एलिमिनेट किया गया, उसके बाद आप देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर अभी जो है वो कातिलाना हमला हुआ। पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स के ऊपर ये हमले हुए हैं और पाकिस्तान में उनको इस तरह से उनके ऊपर केसेस भी बनाए गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान 75 साल का पुराना पाकिस्तान है या पाकिस्तान बदल गया। इस वक्त पाकिस्तान की 66% आबादी 28 सालों के नौजवानों पे है और यही नौजवान ही हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि ये मामला चलेगा नहीं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी मुकम्मल नहीं है। इमरान खान वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं जो चारों सूबों के लीडर हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की सारी रीजन्स के लीडर हैं और उनके बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप मुकम्मल नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि कल अगर आप ऐलान करते हैं असेंबली तोड़ने का, आज खबर भी गर्दिश कर रही है कि परवेज लाई साहब ने कुछ शरायत दी है कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए, उसके बाद हम असेंबली तोड़ेंगे। अगर उनकी जानब से असेंबली नहीं तोड़ी जाती, वजीर आला नहीं तोड़ते, तो फिर आइंदा क्या लाहे अमल होगा? अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तरफ चले जाती पंजाब में, फिर क्या आपका लाहे अमल होगा? नहीं सॉरी, वफाकी हुकूमत अगर पंजाब में सिर्फ इलेक्शन करवाती है जहाँ दो असेंबली आप तोड़ते हैं, तो फिर क्या लाहे अमल? देखिए, इलेक्शन तो पंजाब में ही होना है ना, जहाँ पे आर्टिकल 112 के तहत जहाँ पे असेंबली टूटेगी वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन होना है। ये जिमनी इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है। 5 साल के लिए नई हुकूमत ने आना है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि परवेज़ अलाई साहब हमारे साथ हैं। तीसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल आपकी सही है, उनकी जो अगली एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम PMLQ को जो इस वक्त जो उनका इस वक्त जो शेयर है और जो सियासत में उनका हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उनको हिस्सा देंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। जब भाई आम बात चली है कि क्योंकि जो जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप लोगों के भी और इसमें कोई नेगोशिएट, क्योंकि आप मेन मीटिंग में बैठ रहे हैं, मुंसलाइ साहब आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो कहाँ पे खासा थोड़ा है इसमें कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं? पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में इस दफ़ा वोट कोई नली गाली ये इसके ऊपर नालियों के ऊपर गलियों के ऊपर नहीं चल रहे। इस दफ़ा पाकिस्तान का जो वोटर है ये वोट इमरान खान को हकीकी आज़ादी के नाम के ऊपर डाल रहा है। पाकिस्तान का वोटर पाकिस्तान के सियासी लीडरों से आगे है इस वक्त। पाकिस्तान जिस तरह मैंने आपको बताया 28 साल के बच्चे हैं, 66% आबादी है उनकी, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में हमारी गली पक्की हो गई है या नहीं हो गई है क्या। ये डेवलपमेंट वगैरह जो है ये उनको पता है कि गवर्नेंस अच्छी होगी, डेवलपमेंट तो वैसे ही लोगों का राइट है, इसमें कौन सा किसका कोई जो है वो कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के कामों के लिए जो है वो इलेक्शन नहीं रोके जा सकते हैं और इंशाल्लाह ये पूरे होंगे। और जब भी